स्टेज पे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? सुनाई नहीं दिया मुझे। ठीक है आप लोग? तो मैं आपसे दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने देखा होगा, देखा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, क्योंकि एक विचारधारा है देश में आजकल, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, जो लोगों को बांटती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, इसके खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की। बहुत सारे लोग आए, झारखंड से आए, ओडिशा से, बंगाल से, और उन्होंने हमें कहा, देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा तो करी कन्याकुमारी से कश्मीर, मगर बंगाल में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, मणिपुर में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा। और हमने ये बात मान ली और इसलिए मैं आपके सामने आज यहां खड़ा हुआ हूं। और इस यात्रा का भी लक्ष्य नफरत भरी जो विचारधारा है उसके खिलाफ खड़ा होना है, लोगों को जोड़ना है। और जैसे उसमें हमने मोहब्बत की दुकान खोली, इसमें भी हम मोहब्बत की दुकानें खोलना चाहते हैं। इसमें हमने एक शब्द और जोड़ दिया, आपने देखा होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैलता जा रहा है। आप देखिए, रोजगार, देश के युवा सिर्फ रोजगार चाहते हैं और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। किसी भी प्रदेश में जाओ और पूछो, भाई यहां पे बेरोजगारी की बीमारी है, ये देखो, जहां भी हम जाते हैं एक नई बीमारी चली है, बेरोजगारी की बीमारी, वो हिंदुस्तान के युवाओं को लगती है और उनके भविष्य को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बीमारी कैसे आई मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटे कार्यक्रम, अग्निवीर, देखो ये बोला बिल्कुल सही, तो जो युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था उसको भी अग्निवीर ने खत्म कर दिया। और भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने अग्निवीर की बात छेड़ी, मेरे पास 100-200 युवा आए, कुछ महीने पहले की बात है, दिल्ली आए, मेरे साथ बैठे और रोने लगे, मतलब आंसू निकलने लगे। 20-25 युवाओं की आंख से आंसू निकलने लगे। मैंने पूछा, आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मुझे कहते, राहुल जी हमने 5 साल सेना में जाने की प्रैक्टिस की, रनिंग की, वर्जिश की, हमें सेना में एक्सेप्ट कर लिया गया, हमारा जो सपना पूरा था, हमारा जो सपना था उसको पूरा कर दिया। और फिर 3 साल बाद हमें कहते हैं, टाल टाल कर कहते हैं, तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब अग्निवीर लागू हो गया है,
ना तुम इधर के ना तुम उधर के, 150,000 युवाओं को पहले आर्मी में लिया और फिर आर्मी से निकाल दिया और उनको कहा कि तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा और तुम्हें अग्निवीर में भी नहीं लिया जाएगा। और आज 150,000 युवा भटक रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, क्योंकि उनके हाथों से सरकार ने रोजगार छीना है। और मैंने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलवाएगी और उनका जो हक बनता है उनके हवाले उसको करेगी। भाइयों और बहनों, आर्थिक अन्याय की मैंने बात की, मैं सामाजिक अन्याय की बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, हेंगे आदिवासी हैं, पिछड़े लोग हैं, जनरल कास्ट के हैं, माइनॉरिटी हैं, सारे लोग हैं। मगर आज तक किसी को यह नहीं मालूम इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं। बोलो, जोर से बोलो भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कोई जानता है? आप जानते हो कि सबसे ज्यादा हैं, मगर नंबर नहीं जानते। अब आप मुझसे कहोगे, अरे भाई सबसे ज्यादा हैं, नंबर नहीं जानते, तो क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं। मैंने दो तीन आंकड़े निकाले, पहला आंकड़ा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं? ये बोली बात, दलित कितने? जीरो। आदिवासी कितने? जीरो। पिछड़े कितने? जीरो, एक भी नहीं। फिर मैंने पता लगाया, जो बजट को बांटते हैं 90 अफसर हैं, हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, मैंने पता लगाया इसमें दलित आदिवासी पिछड़े कितने, पता लगा 90 में से तीन पिछड़े, 3 दलित, 1 आदिवासी। तो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ दबाकर इस देश में अन्याय हो रहा है। और मैंने कहा कि जैसे किसी की टांग टूटती है तो पहला काम क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पहला काम क्या होता है, आप कहते हो भैया डॉक्टर साहब एक्सरे कराओ, पता लगाने क्या टूटा, सही बात? तो मैंने यही कहा है, पहले पैसा मांगता है हमारी सरकार। देखिए, हमारी सरकार की कोशिश होगी, जैसे हमने राजस्थान में किया, स्वास्थ्य हमने पूरा का पूरा फ्री कर दिया, दवाई फ्री कर दी, अस्पताल फ्री कर दिया। दिल्ली में सरकार आएगी तो हमारी ये कोशिश होगी कि आप हमें ये ना कह पाओ। मगर मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं, हम जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि जैसे किसी को चोट लगती है तो एक्सरे होता है, वैसे ही हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, माइनॉरिटी कितने, जनरल कितने। वही पहला कदम है न्याय देने का। अगर हमने मालूम ही नहीं कि आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो न्याय की कैसे बात हो सकती है? जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, वैसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ जो जात है एक। मैंने जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, देश में सिर्फ दो जात, एक अमीर और गरीब। अगर दो जात है नरेंद्र मोदी जी, तो आप ओबीसी कहां के, आप ओबीसी कैसे बन गए? ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। देश को जोड़ना है, सबको एक साथ लाना है,
और पूरे देश में ये जो नफरत का बाजार इन लोगों ने खोल रखा है इसको बंद करना है और मोहब्बत की लाखों दुकानें खोलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।